दोस्तों नमस्कार, टीवी इंडिया के खास बुलेटिन खबर दिन भर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश में 1 मई से शुरू हो रहे कोरोना टीकाकरण के लिए कल पहले दिन 1,33,00,000 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। आरोग्य सेतु ऐप पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार अब तक कुल 15,42,00,000 नागरिक कोविड वैक्सीनेशन के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। बता दें कि 1 मई से 18 से 44 वर्ष के सभी नागरिकों को कोविड वैक्सीन देने की तैयारी है। आज गुरुवार को भारत भर में 56,79,000 नए रजिस्ट्रेशन हुए, वहीं अब तक 14,80,00,000 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। सरकार का लक्ष्य टीकाकरण अभियान को जल्द से जल्द पूरा करना है। पश्चिम बंगाल में आज हिंसा और बमबारी के बीच 8वें और अंतिम चरण के लिए मतदान संपन्न हो गया। आखिरी चरण में 35 सीटों पर 283 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। जिन 35 सीटों पर वोटिंग हुई है उनमें मालदा की 6, बीरभूम की 11, मुर्शिदाबाद की 11 और कोलकाता नॉर्थ की 7 सीट शामिल हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए पोलिंग बूथ पर इस बार कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया गया। निर्वाचन आयोग के अनुसार यहां 2 मई को मतगणना होने वाली है। भारत को कोरोना की लड़ाई में अब विदेशी मुल्कों का साथ मिलने लगा है। अमेरिका ने जहाँ 318 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेजे, वहीं रूस ने भी मदद का हाथ बढ़ाते हुए वेंटिलेटिंग इक्विपमेंट और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भिजवाए हैं। एक दिन पहले ही ब्रिटेन ने 95 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भेजे थे, वहीं 495 और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आने वाले हैं। हालांकि बड़ा सवाल ये है कि विदेशों से आई ये मदद अस्पतालों और मरीजों तक कब और कैसे पहुँचेगी। केंद्र की मोदी सरकार अगले 3 दिनों में राज्यों को 20,00,000 से अधिक कोरोना वैक्सीन भेजने वाली है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज इसकी जानकारी साझा की। कोरोना महामारी से लड़ रही केंद्र सरकार अब तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 16.16 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज मुहैया करा चुकी है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी तक 1 करोड़ से अधिक वैक्सीन का स्टॉक उपलब्ध है। जाहिर है 1 मई से सभी के लिए शुरू हो रहे वैक्सीनेशन के लिए स्टॉक उपलब्ध होना बेहद जरूरी है। देश में 1 मई से होने वाले यूनिवर्सल वैक्सीनेशन पर ग्रहण लगता दिख रहा है। पंजाब, दिल्ली और महाराष्ट्र ने कोरोना वैक्सीन की किल्लत को देखते हुए नया चरण शुरू करने में असमर्थता दिखाई है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, उड़ीसा ने भी वैक्सीनेशन के नए चरण की शुरुआत को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। राज्यों की दलील है कि अभी 45 साल से ऊपर के लोगों को ही वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो रही है। ऐसे में जब 18 साल के युवाओं का टीकाकरण प्रारंभ होगा तो वैक्सीन कैसे उपलब्ध हो पाएगी। दरअसल मुंबई, दिल्ली समेत कई शहरों में वैक्सीन के अभाव में टीका सेंटर बंद कर दिए गए हैं। महाकुंभ के दौरान कोविड सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के कारण किरकिरी करा चुके उत्तराखंड सरकार ने आगामी 4 धाम यात्रा को रद्द कर दिया। इसे लेकर आज एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए 4 धाम यात्रा स्थगित की गई है। अब यहां केवल पुजारी ही पूजा कर सकते हैं। दरअसल 4 धाम यात्रा के लिए हर साल देश भर से लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं। जाहिर है भीड़ से कोरोना के फैलने का बड़ा खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज निजी बैंकों की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने डिफाल्टर सहित सभी तरह के खाताधारकों के बारे में जानकारी सार्वजनिक करने के रिजर्व बैंक के अधिकार को चुनौती दी थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2015 के अपने एक फैसले में RBI को यह अधिकार दिया था कि वह ऐसी जानकारियों को RTI के तहत सार्वजनिक कर सके, लेकिन बैंक चाहते थे कि उनके ग्राहकों की जानकारी सार्वजनिक करने का अधिकार रिजर्व बैंक के पास न हो। सर्वोच्च न्यायालय ने बैंकों की इस पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। जाहिर है अब डिफॉल्टर्स खाताधारकों की जानकारी RTI से हासिल की जा सकेगी। यूपी में जारी पंचायत चुनाव में ड्यूटी निभाने वाले 577 शिक्षकों की जान चली गई है। इन शिक्षकों को 71 जिलों में ड्यूटी लगाई गई थी। राज्य शिक्षक संगठन ने दावा किया है कि कोरोना काल में हुए इस चुनाव के दौरान अब तक 577 बेसिक शिक्षकों की मौत हो चुकी है। शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा का आरोप है कि निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के नाम पर इन सैकड़ों शिक्षकों को संक्रमित कर दिया है। लिस्ट सौंपने के बाद राज्य शिक्षक संगठन ने 2 मई को होने वाले मतगणना को टालने की मांग की है। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया है। देश के विख्यात कवि और गीतकार डॉक्टर कुंवर बेचैन आज नहीं रहे। कोरोना से ग्रसित डॉक्टर कुंवर बेचैन का नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने
अंतिम सांस ली। हिंदी साहित्य के मजबूत हस्ताक्षरों में शुमार कुंवर बेचैन ने अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया है। उनके गीत, गजल, काव्य संग्रह, महाकाव्य और एक उपन्यास पहले ही प्रकाशित हो चुके हैं। यूपी के जिला मुरादाबाद गांव उमरी में जन्मे कुंवर बेचैन का वास्तविक नाम डॉक्टर कुंवर बहादुर सक्सेना था। उन्हें साहित्य के क्षेत्र में ढेरों पुरस्कार हासिल हुए थे। नवी मुंबई की एपीएमसी मंडियों में कोरोना प्रोटोकॉल का खुला उल्लंघन होता दिख रहा है। मंडी अधिकारियों ने आज सब्जी मंडी में औचक निरीक्षण कर 28 दुकानों को सील किया, जो कोविड सुरक्षा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाए गए। पहले भी मंडी के 10 गालों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। अधिकारियों ने बताया कि मार्केट में किसी को भी खुदरा बिक्री की परमिशन नहीं है, फिर भी कुछ दुकानदार बिक्री करते हुए पाए गए। अधिकारी ने दुकानदारों से लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने का आह्वान किया है। नवी मुंबई महानगर पालिका को कोविड वैक्सीन मिल गई है, जिससे बंद हुआ वैक्सीनेशन सेंटर आज से फिर प्रारंभ हो गया है। मनपा ने सूचना जारी कर नागरिकों से सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटलों में चल रहे कोरोना टीकाकरण केंद्रों की जानकारी साझा की है। दरअसल बीते हफ्ते 5 दिनों तक वैक्सीन के अभाव में टीकाकरण सेंटर बंद थे, लेकिन वैक्सीन मिलते ही इन्हें फिर से प्रारंभ कर दिया गया है। फिलहाल मनपा के 23 नागरी आरोग्य केंद्रों और 29 प्राइवेट अस्पतालों में कोविड वैक्सीनेशन किया जा रहा है। नागरिकों से टीकाकरण कराने की अपील की गई है। आज के बुलेटिन खबर दिन भर में मेरे साथ इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त। लेकिन मुंबई, नई मुंबई और महाराष्ट्र समेत देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV1 India। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 India लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।